वेलकम गाइज एस एस सी आई की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट के रिजल्ट के बारे में, जो आज ही रिलीज किया गया है। उसका रिजल्ट किस तरह से देखना है, कहाँ देखना है, कैसे देखेंगे, क्या क्या चीज़ें जरूरी है उसमें, वो सारा इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी मोबाइल का गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलें, गूगल होम पेज खोलें, वहाँ पर BSEH टाइप कर दें। इसे टाइप करते ही आपको जो पहली साइट मिल रही है ये वाली आपकी, इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपको मेन साइट पर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मेन साइट पर लेके जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पेज खुल गया है। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाएँ। यहाँ पे देखें आप नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक व्यू मोड में एस्टेट रिजल्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, ये वाला। इस पर आपको क्लिक करना है सिंपली। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, रिजल्ट, एडमिन लॉगिन। तो आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ये पेज आपका इस तरह से खुल के आ जाएगा। अप्लीकेंट लॉगिन, यहाँ पर आपको सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि 10 अंक का होगा, ठीक है। रोल नंबर मत डाल देना गलती से। और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ को मिला के बनेगा। जैसे आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1995 है तो आपका जो पासवर्ड होगा वो 01 01 1995 प्लस में ये रहेगा आपका। ऐड करना है क्या, नाम का जो पहले दो लेटर है कैपिटल, जो नाम का पहला दो लेटर कैपिटल है वो ऐड करना है। मतलब अगर आपका नाम राजेश है तो RA जो कैपिटल लेटर है उसे ऐड कर देंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ के बाद। तो पासवर्ड हो जाएगा 01 01 1995 RA, ठीक है। उसके बाद आप कैप्चा कोड डालें, ये नीचे डाला हुआ है ये इस वाले बॉक्स में डाल दें। उसके बाद साइन इन करें और आप अपना पूरा डिटेल देख लें, ठीक है। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल भूल गए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है फॉरगॉट योर लॉगिन डिटेल्स, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और आपको आपका जो सारा डिटेल है वो सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैंने बताई हैं। आपका जिनका भी रिजल्ट क्लियर हुआ है, जिनका भी रिजल्ट अच्छा आया है, उनको ढेर सारी बधाई हैं। बाकी जिनका नहीं हुआ वो प्रयास करते रहें, आगे ज़रूर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही जानकारी थी। बेस्ट ऑफ लक।